आज की यहाँ की जबरदस्त टेस्टी बनी, आप देख सकते हो यहाँ पे विमेन एम्पायर है की। हाँ, देख रहे हैं इनका एक्साइटमेंट। तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका, और आने वाले समय की यही क्राउन प्रेसिडेंट है। मैं आपको सबको शक्लें दिखा देता हूँ एक बार, ये आने वाले समय की हमारी महिला क्राउन प्रेसिडेंट बड़े लेवल पे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एमसी बिजनेस, थैंक यू एंड गुड एमसी वंस अगेन। हे गाइस, गुड एमसी, मैं पूजा झा, आज कोलकाता सीएनएफ में हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर अनंत वाजपेयी। आज सीएनएफ में हुआ स्टार्टअप प्रोग्राम, आज तक का सबसे धमाकेदार प्रोग्राम हुआ स्टार्टअप प्रोग्राम, जो आज तक कोलकाता में ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट थी जो होनी चाहिए थी। वो आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्रोस्पेक्ट कैसे किया जाए, किसी भी इंटरव्यू में लोगों के साथ फॉर्मेट कैसे किया जाए, लोगों के साथ किस तरीके से बात करें कि लोग इरिटेट ना हो, उसको एक्सेप्ट करें और हमारे साथ काम करने में जुड़े, और हमें लोगों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, अपने डाउनलाइन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने अपलाइन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और अपने जब भी मैं किसी को ज्वाइनिंग करती हूँ तो लोगों को पहले तो लॉगिन सिखानी चाहिए और टोटली बेसिक नॉलेज अपने एसोसिएट को देना चाहिए। इसके बारे में सीखे, बहुत कुछ सीखे, और हर एक दिन जितने बार आनंद वाजपेयी सर से मैं मिलती हूँ, हर एक दिन एक नया चीज़ सीखने को मिलता है। उसके लिए आनंद वाजपेयी सर को दिल तहे दिल से थैंक यू, और मैं चाहती हूँ ऐसे आनंद वाजपेयी सर हमेशा हमारे बीच आए और अच्छे अच्छे स्किल हम लोगों को सिखाए, जो हम बिजनेस में हमें बहुत ही उपयोगी होती है, हमको बिजनेस करने में बहुत ही ईजी होती है और हमें अगले स्टेप अगले लेवल लेने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, यूजफुल होता है। उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू और गुड एमसी। गुड एमसी, मेरा नाम सरिता प्रजापति है, मैं हावड़ा खिलखाना से बिलोंग करती हूँ। डॉक्टर आनंद भाजपा जी का आज स्टार्टअप मीटिंग था जो मैं अटेंड कर रही हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि अपने अपलाइन को फॉलो करो जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, और ये बात सच है क्योंकि मैं यहाँ तक आई हूँ तो अपने अपलाइन की वजह से आई हूँ। छोटी छोटी मीटिंग अटेंड करके आज मैं आनंद भाजपा जी की मीटिंग देख सकती हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे मीटिंग अटेंड करके जब इन लोगों से मिल सकती हूँ तो और भी छोटे छोटे मीटिंग अटेंड करके हम हरिद्वार तक जा सकते हैं। कोशिश करिए आप लोग भी कि 15,000 बीवी बना के आप सब भी जाइए और भी नॉलेज लेकर आइए। सो गुड टाइम से गुड इवनिंग। गुड टाइम सी फ्रेंड्स, मैं प्रीति जयसवाल। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम में अगर मुझे एक वर्ड में बताना पड़े कि मैंने क्या सीखा तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, सर ने बहुत कुछ अपने जितने नॉलेज थे वो बताए, तो इनका बोलने का तरीका से मैंने एक चीज सीखा कि अपने अंदर किसी भी नॉलेज को रखना नहीं चाहिए, आप अपने नॉलेज को सबको बताओ ताकि वो लोग भी जान सके और वो लोग भी प्रोग्रेस कर सके। और दो तीन चीज मैंने सीखा, एक कॉन्फिडेंट, जो खुद के अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप हर एक चीज को कर सकते हो, बस आपको सोचने की जरूरत है कि आपको करना है तो आप। और दूसरी चीज डाउट, अगर आप डाउट रखते हो कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी या नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, नो, ये आपसे सब कुछ हो पाएगा। आप अगर चाह लो खुद से कि मुझे ये करना है तो आप हर वो चीज कर सकते हो। सो मैंने ये चीज सीखा आज डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी सर से, और मैं यूट्यूब पे मैं हमेशा देखती हूँ इनको और मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं प्रोडक्ट का डेमो वगैरह ये सब भी मैं इनसे सीखती हूँ और जानती हूँ, तो आज मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सर, और थैंक्स, और गुड एमसी। गुड एमसी, मैं निशा राव थावड़ा से, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर ने आज हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है, बेसिक चीज सिखाया है कि ज्वाइनिंग करते वक्त हमें क्या क्या जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 चीजों से हमें ज्वाइनिंग हो सकती है। ज्वाइनिंग कीजिए, प्लस सिस्टम सिखाइए, अपने डाउनलाइन को सिस्टम सिखाइए, उन्हें अपना ही जैसा डुप्लीकेशन बनाइए और बिजनेस आगे ग्रो कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिस्टम में रहकर आप आगे बढ़िए। गुड एमसी। गुड एमसी सर, हाय, मेरा नाम नीलू, मैं हावड़ा से बोल रही हूँ। आज मेरे लाइफ के लिए सबसे बड़ा एक बड़ा दिन है कि मैं डॉक्टर आनंद वाजपेयी से मिली हूँ और उनसे इतना बड़ा कुछ सीखने को मिला। सीखने के लिए मेरे को तो बहुत कुछ मिला है आज, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चीज ये कि नॉलेज, ज्ञान, कि ज्ञान जितना हम बांटेंगे हम उतना ही पाएंगे, और दूसरा ईगो, जो हमारे अंदर वो ईगो नहीं रखना। तो इन दो चीज से लेके अगर हम समय के हिसाब से अगर सही से करते हैं तो हम लोग कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे, हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। गुड एमसी। गुड एमसी, हमारा नाम बॉबी श्रीवास्तव है, हम एक सुपरस्टार है। एमसी में आए हुए हमारा 2 साल हो गया, अब तक हम आनंद वाजपेयी जी को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे थे,
हर एक चीज को छोटी छोटी बातों को उनका फॉलो करते थे। आज हमको उनको लाइव देखने का कोलकाता के सीएनएफ पे उनको लाइव देखने का मौका मिला और ये अपॉर्चुनिटी हम किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते थे। हम यहाँ आए, हमको एक मिनट का टाइम दिया गया है, एक मिनट में वाजपेयी जी को डिफाइन करना इज इम्पॉसिबल। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अगर हम कुछ लेकर के जा रहे हैं तो लेकर जाने के लिए एक ही चीज है हमको जो समझ में आया, वो है कि कीप द क्लैरिटी। क्लैरिटी हमेशा रखिए। आप जो बिजनेस कर रही हैं, अगर आप उसमें सच्ची नहीं है तो आपको आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा चीज है, आप कोई भी काम जब कर रही हो तो उसको विश्वास, यकीन और बिना किसी शक शुबे के साथ कीजिए। आनंद वाजपेयी जी का इतना सारा 4 घंटे का प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद उनका डिफाइन करना सच में हमारे लिए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। फिर भी हम जितना उनसे लेकर के जा रहे हैं उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उनके लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये थे